आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। जिला योग एसोसिएशन एवं एमआरके कंस्ट्रक्शन के सौजन्य से द्वितीय जामताड़ा जिला योग प्रतियोगिता का आयोजन नगर स्थित सेंट एंथोनी स्कूल के प्रांगण में जामताड़ा जिला योग प्रतियोगिता के विधिवत शुभारंभ। मुख्य अतिथि जामताड़ा जिला खेल पदाधिकारी प्रधान मांझी, विशिष्ट अतिथि जामताड़ा जिला ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष डीडी भंडारी, जामताड़ा जिला योग संघ के अध्यक्ष बी दुबे, सेंट एंथोनी स्कूल के निदेशक डॉक्टर चंचल भंडारी, जामताड़ा जिला खेल मंच के सचिव दीपक दुबे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। योग प्रतियोगिता में कोविड-19 एवं कोरोना वायरस संक्रमण और सीमित संसाधनों को देखते हुए पूरे जिले से विभिन्न आयु वर्ग से 50 खिलाड़ी सम्मिलित हुए। प्रतियोगिता के शुभारंभ में डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में प्रस्तुति योग एसोसिएशन के खिलाड़ी बालिका वर्ग से दिया दत्ता एवं बालक वर्ग से कुमार युवराज ने अपने योग प्रदर्शन से सभी आगंतुकों का मन मोह लिया। चयनित खिलाड़ी आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपने जिलों का प्रतिनिधित्व करेंगे एवं जिला स्तरीय प्रतियोगिता के सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र, विजेता उपविजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार एवं स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया जाएगा। जामताड़ा से गौतम मंडल की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं और ये जो योग दिवस है, आप जैसे प्रतिभागी के बिना या आप इस तपस्या के बिना ये अधूरा है। मेरा पुनः आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभेच्छा शुभकामनाएं और मेरी आप लोगों से यही मैं कहूंगा कि जहां तक हो सके जिला प्रशासन आपको सहयोग करेंगे और साथ में, क्योंकि अभी कोविड का पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है जिसे आपका दीपक दुबे जी ने बताया कि गत वर्ष आपका प्रतिभागी 150+ थे, इस साल 47 है, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि हम लोग को